अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। और आज हमारा जो है 12वां रोज़ा था और खैर से बहुत अच्छा गुजरा है। हमारा सारा रमज़ान अच्छा गुजरा अल्लाह के हुक्म से, रखा भी था रोज़े अल्लाह के हुक्म से सारे रख रहे हैं। और अभी जो है हम घर से निकले हैं, घर से निकलने के फ़ौरन बाद हमने एक जिम विज़िट किया है और वो जिम जो है हम आपको कल दिखाएँगे, क्योंकि कल से हम अपने वहाँ पे प्रॉपर फिटनेस शुरू करेंगे। तो आपको भी वहाँ पे लेके जाएंगे, आपको जिम दिखाएंगे। जल्दी पास करेंगे ना सारे गेम हो जाए। तो बहुत दिनों बाद अपनी हम फिटनेस वापस से शुरू करेंगे। और पहले पहले मुश्किल तो होगी, लेकिन तो कुछ टाइम बाद फिर सही हो जाएगा। अच्छा, जो वो आगे अभी हम जा रहे हैं एक और जगह पे, आशर भाई की फरमाइश थी तो हमने कहा चलते हैं। आशर, चलो फिर वहाँ चल के फिर मिलते हैं। आशर भाई की फरमाइश थी, इधर हमें ले के आया है। यही थी है? यही जगह? अच्छा, ऊपर है। चलो, नमस्कार। नहीं, शादी थी नहीं भाई। चल। और अभी हम खैर से यहाँ पे आके बैठे हैं जी शॉर्ट पे, और इसको यहाँ पे नींद आ रही थी तो हमने कहा है चलो इसकी नींद उड़ाने के लिए ना इससे कुछ सवालात कर लिए जाएं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने ईद के सूट लिए हैं? सूट तो लिए हैं, लेकिन एक मसला जो है ना, वो मसला कश्मीर एक बन गया है। क्या मसला है? दर्जी सिलाई नहीं कर देता। ऊंचा बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। दर्जी सिलाई नहीं कर देता। दर्जी नहीं सी देता? क्यों भाई, फिर क्या करोगे? आराम बदे आराम। तो इससे अच्छा उम्रे पे चले जाओ। उम्रे पे मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, जा रहा हूँ। मैंने बात की, वो कहते थे जो वीजा 1,80,000 का वीजा था ना, मैंने उनको कहा मैं 80,000 से देता हूँ, लाख मेरे पास। उन्होंने कहा ठीक है, ले जाते, कराची उतार देंगे। अच्छा, तो दूसरा सवाल आपके वो है, आपकी नजर किया जाता है, सही सही जवाब देना, जो होगा सच होगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा। दूसरा सवाल यह है कि आपने रोजे सही सही बताएं कितने रखे हैं? रोजे अल्हम्दुलिल्लाह आज 12वां रोजा था। वो तो है, आपने कितने रखे हैं? यार क्यों मेरा सवाब जाया करते हो? नहीं बताए ना आप कितने रखे हैं? रोजे सारे रखे हैं। मैंने सवाल से पहले कहा जो होगा सच होगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा। सच बोल रहा हूँ ना आपको, मैंने आपका आगे कुछ नहीं, मैंने नहीं तो उस दिन छोड़ा, नहीं तो उस दिन हॉस्पिटल में लंबा कौन हुआ पड़ा था। वो तो यार मैंने देखो तो मसला था। क्या मसला था? साथ ही कमजोरी है मुझे। कौन सी कमजोरी? असाबी कमजोरी। असाबी कमजोरी क्यों हो गई आपको? अच्छा, ऐसे ही बोल दिया। चलो, ये सवाल भी हो गया क्लियर। तीसरा सवाल आपसे ये है, कोई चीज़ खिलानी है, ठीक है, नहीं खिलानी, ज़्यादा से मैं चाहता हूँ। सवाल इंटरव्यू दे बनाया बैठा हूँ। अच्छा, आशर पीता चाय ऑर्डर से पढ़ता, देखो त्रै मैन्यू चेक कर चुका। अच्छा चलो, हम तीसरे सवाल पे थे। तो तीसरा सवाल ये है कि ईद पर किधर जा रहे हो घूमने के लिए इस बार? वैसो सबको पता है, तुझे तो ज्यादा वैसो था, केन वैसो हूं कितना था तेरा पेजो हैं? भावे ना गुड के जवल सु ए पता हो। पेजो कैसे पई है? पेजो में क्या पड़ा है? पेजो में जो चीज पड़ी है वो किधर के? हां है डी कौन में और इलाका। अच्छा, अच्छी जगह है पेजो? पेजो बहुत अच्छी जगह है, प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है। चलो फिर चलेंगे इस बार। अच्छा, तो अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल अब ये है कि चौथा और आखिरी सवाल, जिंदगी में क्या करना चाहते हो? यार थोड़ा ऊंचा बोलो।
इस बार कुछ छोड़ना था। नहीं नहीं बताओ जिंदगी में क्या करना चाहते हो? तू मेरे इरादे कमजोर करे थे बस। नहीं अल्लाह तक बताओ क्यों? हम आपको और मोटिवेट करेंगे अपने गोल की तरफ जाने के लिए। चलो बताओ। मैं जिंदगी में जो है ना पहले सबसे पहले आपको मोबाइल तोड़ने वाला हूँ अभी तो और दूसरा ये है कि आशर को भी मैं जो है ना कोई चीज़ मारने वाला हूँ उठा के। ये भी मोबाइल में लगे बस जल्दी मोबाइल लुका ये कट कर। जिंदगी में अच्छा चल यार जल्दी कर बता। मेरी ख्वाहिश है मेरी अपने बहुत सारे वीडियो में सो आदमी बड़े बड़े खाले कूदने वाले मेरे अपने बहुत बड़े बड़े घर हों बंगले कोठियाँ महल हो तो वो कैसे आएंगे? उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। मैं सुता पिया हुआ मैं ख्वाब दरी मेरे को यहाँ पे बहुत सारे पैसे दे मैंने। अच्छा नहीं उसको मैं फिर कहूँ कि मेरे अकाउंट में डाल दो वो अकाउंट में डाल दे जाके जब एटीएम में अपना शादे कार्ड मारू ना तो पैसे निकाल। चले आपका इंटरव्यू लेने में हमें बड़ा मजा आया है। आगे भी हम आपके ऐसे इंटरव्यू लेते रहेंगे और अभी तो हमने आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी स्टोरी सुननी है आपसे। आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है कहाँ गुजरी है? तो मेरी सुननी है मैंने तेरी सुन ली है। क्या ओए किसी का मोबाइल नहीं पढ़ते होते ऐसे नहीं देखते होते? हर किसी का नहीं किसी ना किसी का चेक करना पड़ता है। बुरी बात है करना पड़ता है ज़रूरी ऐसे नहीं करना चाहिए बुरी बात है। हमने ये सवाल जवाब पूछे अमार भाई से और इसने उम्मीद है कि हमें सही 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 जवाब दिए होंगे झूठ इसने कोई नहीं बोला होगा। वैसे है तो बंदा तो बंदा ठीक नहीं है बंदा तो ठीक नहीं है वैसे लेकिन उम्मीद है इसने सही जवाब दिए होंगे और हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। नलियाँ तो भेजिए मरखोर दे सिंह हूँ मैंने बस यही हमने ऑर्डर किया है और ज़्यादा कोई इतना हाँ फोकस तुझ पे करूँ टेंशन ना ले तू ऐसे सफ़ेद है सफ़ेद यार है। और चले अभी हम इसको एंजॉय करते हैं अपने जो हमने मंगवाया जूस और आप भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और फिट रहें अपनी ज़िंदगी में टेंशन वेंशन ना ली करें इतनी और कोई मसला हो तो अल्लाह से दुआ करते हैं हम भी और आप भी। कोई मसला होगा तो मैं बोले तो नहीं हमें क्यों बताएं अल्लाह से मांगे और बाकी खुश रहें मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें वीडियो को लाइक करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सपोर्ट करें हमें और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह आपको खुश रखें।